बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ मटन पाया की। तो आइए देखते हैं मटन पाया कैसे बनता है एक नए अंदाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ, दो बड़े प्याज मैंने काट के रखे थे, और ये मैंने लहसुन लिया है, ये जाएगा इसमें, और ये है अदरक, मैंने बारीक पीस के रखा था वो मैं डालूंगी इसमें। तो इसमें जाएगा एक टेबलस्पून, ये देखिए एक टेबलस्पून नमक है, हाफ टेबलस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा कुछ इसमें जाएगा, और मैं इसको प्रेशर को आधे घंटे के लिए बंद कर दूंगी। पानी हमने थोड़ा ही डाला है, तो अभी मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद करूंगी। इसके बाद जी व्यूअर्स, ये 10 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर को बंद करना है। तो उसके बाद फिर हम इसको खोल के फिर देखेंगे कि यहाँ तक ये कहाँ तक पाए हमारे गले हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम। ये देखें, मैंने 10 मिनट के लिए इनको सारा कुछ डाल के रख दिया था, तो अब ये तकरीबन डाल गए हैं, लेकिन अब हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करके इसको भून के तो फिर हमने प्रेशर को बंद करना है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, ऑयल डाल के तो हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, ऑयल तो पहले ही इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें पूरा पूरा ऑयल ही डालना चाहिए। ये मैं 1.5 चम्मच बड़े वाला यानी 1.5 कप समझ लें वो मैं डाल रही हूँ इसमें। तो 1.5 कप डालेंगे हम इसके इसमें, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। तो ये देखें, अब इसमें मैं साथ ही डाल दूँगी, ये है 2 टमाटर और 3-4 सब्ज़ मिर्चें, वो मैंने ग्राइंड कर ली हैं, वो हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डियाँ अलग हो गई हैं, लेकिन फिर भी वैसा तो नहीं गला जैसा हम चाहते हैं। तो ये देखें, ये थोड़ी सी जलबत्री है, 2 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 3 स्टिक दालचीनी है, और 1 करी पत्ता। ये मैं इसमें सारा कुछ शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म होने तक। ठीक है, तो अब हम इसमें देखिए दही शामिल करना है, 1 कप, 1 कप दही शामिल करके तो फिर हमने इसको अच्छे से भूनना है। दही लाल भी होता है पायों में। देखें, ये हमारे पाए बहुत अच्छे से भुन गए हैं, मसाला अलग हो गया है और ऑयल हमारा अलग हो गया है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। देखें, इसके बाद हमारे आधे घंटे के लिए हमने बंद करके रख देना। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मटन पाया इतना अच्छा बन के रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया। देखिए
बहुत ज़बरदस्त। अब हमने इसको आपको डिशॉक करके दिखाना है, देखिए बहुत ही परफेक्ट। देखिए तो अब मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्ची, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्ज़ मिर्चें और ये गरम मसाला। और कल मैं आपको फिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारे बकरे के पाए कैसे बन के रेडी हुए। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे बकरे के पाए कितने मज़े के, कितने जूसी और कितने ज़बरदस्त गल के तो रेडी हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में डाल के। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे बकरे के पाए बहुत ही ज़बरदस्त बन गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि ये कितने अच्छे से गल गए हैं। देखिए ये देखें व्यूअर्स, देखें हड्डी से अलग हो रहे हैं और ऐसे ही पाए गले होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। तो जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।